आप तो गोल करके रखे थे, चीटिंग कर रहे हैं। चलिए अपन आइए। ऐसे नहीं होता है ना। देखिए दोस्तों, हमारा लिट्टी तैयार है। फेल हो गई, ये तो बहुत पीछे चल रही है। और ये सेकंड भी और ये थर्ड और हम फर्स्ट हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भगवान से मनाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कृष्णा रिंग की ब्लॉग में आज आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और अभी तैयारी चल रहा है दोस्तों लिट्टी और चोखा का। तो मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है सुन करके, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट बनता है लिट्टी और चोखा हमारे घर में। और बिल्कुल एकदम, और अभी जो बरसात प्रत्येक दिन जो हो रहा है दोस्तों, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है, तो ठंडा का मौसम में लिट्टी और चोखा का एक अलग ही मजा है, आप लोग भी जान सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मेरे घर में आज लिट्टी और चोखा। रिंकी जी और भाभी पूरा लगी हुई है, इधर आटा सान रही है। इधर रिंकी जी चोखा बना रही है। हाथ में क्या है आपका? बैंगन। अच्छा, तो ये बैंगन पका करके, और आलू टमाटर और बैंगन तीनों को पका करके और एक साथ अभी चोखा बनेगा दोस्तों। और साथ में इधर भाभी आटा सान रही है, आप देख सकते हैं। और इधर सत्तू सान करके और रखा हुआ है। तो अभी बनने वाला है दोस्तों एकदम गर्मा गर्म लिट्टी और चोखा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, चोखा पीच करके और एकदम इसको मिला दी है। और अब इसमें क्या क्या दे रहे हैं? तेल, जीरा और मिर्ची। तेल, जीरा और मिर्ची दोस्तों इसमें। नमक स्वाद अनुसार। क्या कहता है इसको? छौंक लगा रहे हैं ना? छौंका लगा रहा है। छौंका लगा रही है। आहा, टेस्ट तो बहुत जबरदस्त है। और अभी तक भाभी आटा सानी रही है दोस्तों, देख सकते हैं। थोड़ा आटा है ज्यादा इसीलिए। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिए ना। अगर चोखा आपको थोड़ा पतला बनाना है दोस्तों खाते वक्त, जैसे लिट्टी में बिल्कुल घुस जाना चाहिए चोखा, तो इसमें थोड़ा सा जलजीरा का पानी आप इसमें डाल करके इसको पतला कर सकते हैं, तब खाने में एकदम जबरदस्त लगेगा ना। तो दोस्तों, इधर कढ़ाई गर्म हो रहा है आप देख सकते हैं। और इधर रिंकी जी और भाभी दोनों मिल करके और लिट्टी गोल गोल एकदम बना रही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक लिट्टी बना करके देखते हैं अपना हाथ में, जिस तरह रिंकी जी लोग बनाती हैं, सकते हैं कि नहीं, ऐसे करते हैं ना। देखिए दोस्तों, हम भी सक रहे हैं। कटोरी जैसा बना दिया इसको। सबसे पहले कटोरी जैसा बना दिए, आप लोग देख सकते हैं। और कटोरी जैसा बना के और इसमें सत्तू डाल दिए। शायद इन लोगों से जल्दी हम बना देंगे दोस्तों। हाँ, तीनों एक साथ लीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कौन बना सकता है। ये लोग एनी टाइम ये काम करती है। चलिए, आप तो गोल करके रखे थे, चीटिंग कर रहे हैं। चलिए आप बनाइए। ऐसे नहीं होता है ना। देखिए दोस्तों, हमारा लिट्टी तैयार है। फेल हो गई, ये तो बहुत पीछे चल रही है। और ये सेकंड भी और ये थर्ड और हम फर्स्ट हुए। तो दोस्तों, अब इसमें डाल रहे हैं रिंकी जी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कलर ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा और ब्राउन होगा। तो दोस्तों, ऑलरेडी ये हो चुका है, अब आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल बना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो लिट्टी हमारा एकदम तैयार हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, चोखा ये थोड़ा सा टाइट है और इसमें मिल जाए इसलिए उसमें भी चोखा है। और सब दोनों एक में कर दीजिए और थोड़ा सा पानी डालिए। और चोखा एक में करके दोस्तों, हाँ, और एक पैकेट उसमें डाल देगी जलजीरा। और इसमें एक पैकेट डाल देगी जलजीरा, थोड़ा सा और पानी डालिए, थोड़ा पतला रहेगा ना तो खाने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अब रिंकी जी निकाल रही हैं, हम से अब रहा नहीं जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले माँ पापा खा चुके हैं और आप भैया भी खा चुके हैं, सोनू मोनू स्वीटी सब खा लिया दोस्तों। अब निकाल रही है मेरे लिए और अब इसमें डाल रही हैं चोखा।
थोड़ा सा ऊपर से प्याज और हरा मिर्च और प्याज और है तो धनिया पत्ता, और अगर है तो धनिया का पत्ता भी ऊपर से डाल सकते हैं। लिट्टी चोखा तैयार। और अब ये लिट्टी चोखा तैयार है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो लिट्टी और चोखा बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, और एकदम लाजवाब है प्लेट में। और अब इसको हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आप थोड़ा सा हम टेस्ट करके पहले देखते हैं। जबरदस्त बना है दोस्तों, बहुत ही टेस्टफुल है एकदम। तो दोस्तों लिट्टी और चोखा बनकर के तैयार हो चुका है, और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आशा है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को जरूरी पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अगर नए व्यक्ति हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। कल फिर मिलता है एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।